दोस्तों नमस्कार, हिंदी कुंज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करने चल रहे हैं पत्र लिखन के बारे में। पत्र लिखन के अंतर्गत बात करेंगे अपने ग्राम में, आपका कोई गांव है और वहां पे विद्यालय की बहुत बुरी स्थिति है, तो उसके सुधार के लिए शिक्षा मंत्री को पत्र किस प्रकार लिखा जाए। इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में आ सकते हैं कि आपका कोई गाँव है, आप किसी गाँव में गए हैं और वहाँ विद्यालय की स्थिति बहुत ही खराब हालत में है, जर्जर अवस्था में है, तो उसमें ठीक ठाक करने के लिए, उसके सुधार के लिए शिक्षा मंत्री को पत्र किस प्रकार लिखा जाए, यहाँ पर नमूने के तौर पर बात की जा रही है। यदि आप हिंदी कुंज चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो YouTube पर हिंदी कुंज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हिंदी भाषा और साहित्य की उपयोगी जानकारी प्राप्त होती रहे। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले सेवा में श्रीमान शिक्षा मंत्री महोदय, आप जिस राज्य में रहते हो वहाँ पे उस राज्य का नाम लिखना है आपको, ठीक है। सेवा में श्रीमान शिक्षा मंत्री महोदय, उत्तर प्रदेश। विषय, हमारे ग्राम में विद्यालय की बुरी स्थिति में सुधार के लिए प्रार्थना पत्र। आप लिखिएगा विषय, हमारे ग्राम में विद्यालय की बुरी स्थिति में सुधार के लिए प्रार्थना पत्र। इसके नीचे लिखिएगा, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, मैं अपना नाम, ग्राम, पता, जिला, जो भी आप यहाँ से रहते हो वहाँ का लिखिएगा, और लिखिएगा कि मैं वहाँ का निवासी हूँ। मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि हमारे गांव के विद्यालय की स्थिति बहुत ही खराब है। यह विद्यालय हमारे गांव के बच्चों के शिक्षा के लिए एकमात्र साधन है, लेकिन इसकी स्थिति बहुत खराब होने के कारण बच्चों की शिक्षा बहुत प्रभावित हो रही है। विद्यालय की खराब स्थिति के कुछ प्रमुख कारण हैं जो कि निम्नलिखित हैं। पहला, इमारत जर्जर है। विद्यालय की इमारत बहुत ही पुरानी और जर्जर है। बारिश के मौसम में पानी टपकता है और दीवारों से सीलन आ जाती है। नंबर दो, कक्षाओं की कमी है। विद्यालय में बच्चों की संख्या के अनुसार कक्षाओं में कमी है। कई कक्षाओं में तो 40-50 बच्चे एक साथ बैठते हैं। नंबर तीन, शिक्षकों की कमी है। विद्यालय में शिक्षकों की कमी है, कई विषयों के लिए कोई शिक्षक है ही नहीं। नंबर चार, फर्नीचर की कमी है। विद्यालय में पर्याप्त फर्नीचर नहीं है। बच्चे बेंचों पर बैठने के बजाय जमीन पर बैठकर पढ़ाई करते हैं। और शौचालय की कमी है। विद्यालय में लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग शौचालय नहीं है। पीने के पानी की कमी है। विद्यालय में बच्चों के लिए पीने की पानी की व्यवस्था नहीं है। तो विद्यालय की इस प्रकार की खराब स्थिति के कारण बच्चों की शिक्षा बहुत प्रभावित हो रही है। बच्चे स्कूल जाने में रुचि नहीं लेते हैं और उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता है। अतः आपसे अनुरोध है कि आप हमारे गाँव के विद्यालय की स्थिति में सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाएं। विद्यालय की इमारत की मरम्मत, कक्षाओं का निर्माण, शिक्षकों की नियुक्ति, फर्नीचर की व्यवस्था, शौचालय का निर्माण और पीने की पानी की व्यवस्था की जाए। आपका सहयोग, आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भौदी, अपना नाम, पता, ग्राम का नाम, जिले का नाम और जिस राज्य से हो और नीचे जिस तारीख को आप यह पत्र लिख रहे हैं आप लिख दीजिएगा। तो इस प्रकार यह पत्र बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। सबसे पहले शिक्षा मंत्री को आप बताइए कि आप कहाँ रहने वाले हैं और आपके आपका गांव का विद्यालय कहाँ पर स्थित है और वहाँ पे क्या क्या विद्यालय में क्या क्या खराब स्थिति है, क्या क्या कमियाँ हैं, जैसा कि जर्जर इमारत है, कक्षाओं की कमी है, शिक्षकों की कमी है, फर्नीचर सही से नहीं है, विद्यालय के जो बच्चे हैं वो बेंचों पर नहीं बैठ पाते बल्कि जमीनों पर बैठ के पढ़ाई करते हैं, और शौचालय नहीं है, पीने के पानी नहीं है। तो इस सारी बहुत सारी बातों को आप जोड़ते हुए एक पत्र अच्छे ढंग से लिखिएगा और नीचे लिख दीजिएगा कि महोदय, आपसे अनुरोध है कि आप हमारे गाँव के विद्यालय में सुधार कीजिए और जो भी कमियां हैं, चाहे वो इमारत हो, कक्षाओं का निर्माण हो, शिक्षकों की नियुक्ति हो, फर्नीचर की कमी हो या शौचालय की बात हो, पीने की पानी की सुगम व्यवस्था हो, आप सारी व्यवस्थाओं को ठीक कीजिए। आपसे त्वरित कार्यवाही की अपेक्षा है। आशा करता हूं कि आप यह पत्र पाने के बाद जल्द से जल्द सुधार के लिए कदम उठाएंगे। तो इस तरह पत्र आप यह समाप्त कर सकते हैं। नीचे अपना नाम, ग्राम का नाम, पता और नीचे तारीख लिख दीजिएगा तो यह पत्र बहुत ही आसानी से आप ये लिख सकते हैं। यदि आपको यह पत्र लिखित रूप में चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया जहां पर जाकर आप यह पत्र लिखित रूप में प्राप्त कर सकते हैं। आशा करता हूं कि वीडियो आप सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको अपने विषय व अध्ययन संबंधित और अधिक नोट्स चाहिए तो आप hindikunj.com को विजिट करें, वहाँ पर आपके लिए उपयोगी अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई गई है। धन्यवाद।